हेलो फ्रेंड्स, गुड फूड विद प्रिया। दिस इज़ माय चैनल और वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम सीखेंगे हाउ टू मेक राइस इन माइक्रोवेव। ओके, तो हमने माइक्रोवेव में डालने के लिए ये कांच का लिया है बर्तन, क्योंकि प्लास्टिक में सेफ नहीं है। तो हमने 2 कटोरी चावल ये धोए हैं और अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। अगर 1 कटोरी चावल है आपके पास तो उसमें हम डबल यानी कि 2 कटोरी पानी डालेंगे। और ये ध्यान रखिएगा कि जिस कटोरी से आप चावल लेते हैं सेम वही कटोरी से पानी लीजिए, ताकि मेज़रमेंट में गड़बड़ ना हो। तो ये 2 कटोरी चावल है, अब हम इसमें 4 कटोरी पानी डालेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम इसमें 4 कटोरी पानी डालेंगे यानी कि डबल। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम पानी डालने के बाद लगभग 1 चम्मच या आधा चम्मच रिफाइंड ऑयल डालेंगे। कोई सा भी आप रिफाइंड ऑयल यूज़ कर सकते हो, या घी भी डाल सकते हो आप 1 आधा चम्मच। ओके फ्रेंड्स, तो अब हमने इसमें पानी और ऑयल ऐड किया है, तो अब हम इसको 20 मिनट्स भिगो के रखेंगे चावल को, और आफ्टर 20 मिनट्स हम इसको ओवन में डालेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो 20 मिनट्स हो गए हैं और हमने जो चावल है इसका बर्तन हमने ओवन में रख दिया है। अब हम इसको बंद करेंगे और 30 मिनट्स के लिए सिंपल माइक्रोवेव करेंगे। ओके फ्रेंड्स, ये देखिए राइस जैसे कि हमारे 30 मिनट में पक चुके हैं, अब हम इनको ओवन से बाहर निकालेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं ये राइस कितने खिले हुए बने हैं, यू कैन सी दैट। देखिए, तो आप घर में ये जो खिले हुए राइस हैं ये बना सकते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़, अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आए, मेरी रेसिपीज़ पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए गुड फूड विद प्रिया। थैंक यू।